हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ दीपक। दिस इज़ लिटिल बिट इंट्रोडक्शन अबाउट मी एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट 2016 क्वेश्चन पेपर। ओके, जो भी कुछ बाकी क्वेश्चंस हम रह गए थे तो उस आगे कंटिन्यू करने की कोशिश करेंगे। तो उसके साथ ही साथ हम आज थोड़ा एनालिसिस करेंगे कि किस टाइप का क्वेश्चन आ रहे हैं, तो कैसे पढ़ाई उसके लिए करनी चाहिए। मैं आपको बता दूं कि CAPF सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस 2018 का है जो हाईएस्ट एडवर्टाइजमेंट, 466 वैकेंसीज थी। तो इस बार अभी जो 18 अगस्त को पेपर है तो उसके लिए भी बहुत सारी जगह है, लगभग 300 के ऊपर जगह है। तो चलिए आज का क्वेश्चन पेपर हम डिस्कस। ये कट ऑफ है 2016 के लिए। पेपर वन जनरल 114, OBC के लिए 113, SC के लिए 97। जनरल कैटेगरी के लिए 114 पेपर वन में, मतलब 250 में से हमको एटलीस्ट 114 मार्क्स लाने हैं। तो मिनिमम हमारा अटेम्प्ट तो ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए, तो फिर एटलीस्ट 60 क्वेश्चंस तो करेक्ट आने चाहिए, उस हिसाब से हम अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है, और पेपर टू और पेपर वन मिलाकर 188 कट ऑफ है जनरल कैटेगरी का, और OBC का है 187। सो फाइनल मेरिट लिस्ट में अगर कोई 219 मार्क्स मिनिमम ला पाता है तो उसको सीट मिलेगी। ठीक है, तो इसी को ध्यान में रखते हुए ये कट ऑफ है, तो इतने इतने मिनिमम मार्क्स हमें पेपर वन एंड पेपर टू में लाना है। तो पेपर वन का एक मिनिमम मार्क्स रहता है 25 मार्क्स। ठीक है, 250 मार्क्स का एक टोटल पेपर है, तो 25% एंड पेपर टू में 20%, मतलब 40% एटलीस्ट उतने ही आने ही चाहिए, तो वो मिनिमम कट ऑफ माना जाता है। अगर आप 20% नहीं लाते पेपर टू में 200 में से, तो फिर आपको वो आप क्वालिफाई नहीं हो पाएंगे। ठीक है, चलो फिर बाकी के क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 से हम आगे कंटिन्यू करेंगे। 34 ये है कि अरेंज द फॉलोइंग सब्सटेंसेस इन देयर ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग हार्डनेस। ठीक है, इंक्रीजिंग हार्डनेस पे हमें ऑर्डर करना है ये सब्सटेंसेस, जिप्सम, टोपैज, फ्लोराइड, फेल्डस्पार, इनमें से कौन सा हार्डेस्ट सब्सटेंस है। मैं आपको बता दूं कि हार्डनेस जो स्केल है तो एक मोह स्केल्स एक होती है, तो उनमें वो मेजर किया जाता है, 1 से लेकर 10 नंबर उनमें होते हैं। 1 मतलब सबसे सॉफ्टेस्ट मटेरियल्स होता है, और 10 मतलब सबसे हार्डेस्ट मटेरियल, मतलब जैसे डायमंड। और एक अगर मोह स्केल पर 1 नंबर आता है तो फिर वो टैलकम जैसे मटेरियल्स होंगे। ठीक है, तो ये सब्सटेंस इंक्रीजिंग हार्डनेस के ऑर्डर पर हमें लगाना है। तो सबसे हार्डेस्ट कौन, और ये मोह हार्डनेस स्केल है जिनमें मिनरल्स का नंबर दिया जाता है, स्केल नंबर और कॉमन ऑब्जेक्ट्स जैसे। ठीक है, 10 नंबर वो जो मिनरल्स की हार्डनेस लेवल है वो सबसे हाईएस्ट है, वो डायमंड आएगा, फिर 8 तक टोपास, 7 क्वार्ट्ज, और सबसे लोवेस्ट में है जो टैलकम पाउडर और जिप्सम। ठीक है, ऐसे ऐसे बढ़ते बढ़ते जाएगा, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर पे ये ऐसा है ऊपर वाला सब कुछ। ठीक है, अगर आप हम ऐसे ऊपर जाएंगे तो फिर ही इसकी हार्डनेस बढ़ती जाएगी। ठीक है, उसी हिसाब से हमें वो जिस जो ऑप्शन दिए तो वो लगाना। ठीक है, तो उस स्केल पर जिप्सम सबसे नीचे है और जो टोपाज है तो वो सबसे आगे है, मतलब सबसे ऊपर है। तो जिप्सम से स्टार्टिंग होगी, ये सबसे नीचे था ना, तो ये 1 नंबर पे ये आएगा। ठीक है, फिर 2 नंबर पे ये फ्लोराइड आएगा, और बाकी फ्लेल्स पर जो है वो 3 नंबर पे आएगा, और ये जो टोपाज है वो 4 नंबर पर, वो फिर ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 35, ड्यूरिंग 2014-15 इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्रियल सेक्टर्स द FDI इक्विटी इनफ्लोज वॉज मैक्सिमम। टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर में, सर्विस सेक्टर में, ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल एंड होटल एंड टूरिज्म। ठीक है, तो फिर इसका आंसर ये है कि सर्विसेज सेक्टर में इंडिया का कंट्रीब्यूशन, मतलब GDP में इंडिया का कंट्रीब्यूशन सर्विसेज से ज़्यादा आता है, लगे उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग का आएगा। ठीक है, उसके बाद जो एग्रीकल्चरल का है, इससे मतलब सबसे ज़्यादा से कम कंट्रीब्यूशन है। 36, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंडस्ट्रियल कॉरिडोर एज पर द पॉलिसी इनिशिएटिव्स। ठीक है, अमृतसर कोलकाता, दिल्ली मुंबई, कोलकाता गुवाहाटी, चेन्नई बेंगलुरु। 36, ठीक है, 36 का आंसर क्या आएगा फिर, ये कोलकाता गुवाहाटी। क्यों? क्योंकि इंडिया में कितने 5 कॉरिडोर्स है, इंडिया में 5 इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक कॉरिडोर्स है। ठीक है, इनमें से एक आता है कि अमृतसर कोलकाता, दूसरा है दिल्ली मुंबई, तीसरा है चेन्नई बेंगलुरु। कोलकाता गुवाहाटी ये इंडस्ट्रियल कॉरिडोर नहीं है, उसके अलावा विजाग चेन्नई, ठीक है, वो विशाखापट्टनम चेन्नई, ये एक कॉरिडोर है। उसके अलावा फिर
इनमें बेंगलुरु मुंबई इकोनॉमी कॉरिडोर ये हुआ है, एक टोटल 5 नंबर है ठीक है। अभी चलो 37 देखते हैं। 37, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, पूछा है कि ब्लीचिंग पाउडर के हिसाब से कोई क्वेश्चन दिए हैं। ब्लीचिंग पाउडर इज प्रिपेयर्ड बाय द एक्शन ऑफ क्लोरीन ऑन ड्राई स्लेट लाइम। सेकंड, ब्लीचिंग पाउडर एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट इन मेनी केमिकल इंडस्ट्री। ब्लीचिंग पाउडर इज ऑल्सो नोन एज द क्लोरीनेटेड लाइम। फोर्थ, ब्लीचिंग पाउडर इज यूज फॉर द डिसइनफेक्टिंग ड्रिंकिंग वाटर। ठीक है, हमें नॉट करेक्ट कौन सा है ये पूछा गया है। तो एग्जामिनर जनरली क्या करता है कि अगर सेकंड स्टेटमेंट को आप अच्छे से देख लेंगे तो ब्लीचिंग पाउडर एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, यहाँ पर रिड्यूसिंग है, उसका एक्चुअल आंसर है ऑक्सीडाइजिंग। ऑक्सीडाइजिंग के बदले वो रिड्यूसिंग कर देंगे, फिर वो आप कन्फ्यूज हो जाओगे। तो जनरली आंसर यही है, 37 का आंसर बी आएगा। 38, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। ग्राफाइट इज अ नॉन मेटल, ग्राफाइट इज एलोट्रोप ऑफ कार्बन, ग्राफाइट इज अ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ग्राफाइट हैज अ टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। ठीक है, ये नॉन मेटल ये राइट, ग्राफाइट इज एलोट्रोप ऑफ कार्बन ये भी राइट है, ग्राफाइट इज कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ये भी राइट है, ग्राफाइट हैज अ टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। ठीक है, यहाँ पर ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर नहीं है। ठीक है, ये देखिए ग्राफाइट के बारे में इंफॉर्मेशन है। ग्राफाइट यहाँ पर क्या है कि एक क्रिस्टलाइन फॉर्म है जो कार्बन के एलिमेंट से बना हुआ है, उसको हेक्सागोनल स्ट्रक्चर में अरेंज किया गया है। हेक्सागोनल मतलब ऐसे 6 साइड वाली, ऐसे इस तो वहाँ पर टेट्रागोनल दिया था, तो ऐसे एग्जामिनर कन्फ्यूज करने की कोशिश करेगा। तो ग्राफाइट हेक्सागोनल स्ट्रक्चर में अरेंज किया गया है। ठीक है, इतना इन्फॉर्मेशन है उसके बारे में। बाकी जो नॉन मेटल बोला गया है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टर ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी, ये भी सही है। ठीक है, 39, कंसिडर द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटीज, एनर्जी, पावर, प्रेशर, इम्पल्स, टेम्परेचर, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, इनमें से कौन सी वेक्टर क्वांटिटीज है ये पूछा गया है। ठीक है, ऑप्शन एक इम्पल्स ओनली, इम्पल्स एंड प्रेशर ओनली, इम्पल्स टेम्परेचर एंड प्रेशर, फोर्थ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। ठीक है, दोन दो प्रकार की क्वांटिटीज होती है, एक तो वेक्टर क्वांटिटी, सेकंड इज स्केलर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटीज मतलब जिनको मैग्नीट्यूड भी है एंड डायरेक्शन भी है, ऐसे क्वांटिटीज़ को हम वेक्टर क्वांटिटीज़ बोलते हैं। और स्केलर क्वांटिटी सिर्फ जिस मतलब ये है फिजिकल क्वांटिटीज़ को ओनली मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन नहीं है, तो ऐसे को हम स्केलर क्वांटिटीज़ बोलते हैं। ठीक है, तो इनमें से वेक्टर क्वांटिटी सिर्फ ओनली इम्पल्स ये जो है तो वेक्टर क्वांटिटी आए। क्वेश्चन नंबर 40, अ पीस ऑफ स्टोन टाइड टू अ स्ट्रिंग इज मेड टू रिवॉल्व इन अ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस आर विद अदर एंड ऑफ द स्ट्रिंग एज द सेंटर। इफ द स्ट्रिंग ब्रेक्स द स्टोन विल मूव अवे फ्रॉम द सेंटर, मूव टुवर्ड्स द सेंटर, मूव अलॉन्ग अ टेंजेंट एंड स्टॉप। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन पूछा है उन्होंने। ये न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशंस के अकॉर्डिंग इसकी मूवमेंट होगी और ये मूव अलॉन्ग द टेंजेंट मूव करेगा। ठीक है, ऐसा बोला गया है कि एक स्ट्रिंग ऐसे एक स्ट्रिंग है। ठीक है, यहाँ पर पत्थर मारा गया है और तो पत्थर स्ट्रिंग ब्रेक होने के बाद वो पत्थर मतलब स्टोन कहाँ पर जाएगा, तो सर्कल के टेंजेंट के अराउंड मूव होगा। क्वेश्चन नंबर 42, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। ठीक है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीजेस विथ इंक्रीज ऑफ अल्टीट्यूड, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इंक्रीजेस विथ इंक्रीज ऑफ डेप्थ, अज्यूमिंग अर्थ टू बी द स्फीयर ऑफ यूनिफॉर्म डेंसिटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीजेस विथ इंक्रीज ऑफ अल्टीट्यूड, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मास ऑफ द अर्थ। यहाँ पर कैसा है कि सपोज दिस इज अर्थ, अगर हम अर्थ के अल्टीट्यूड से ऊपर जा रहे हैं, ठीक है, तो क्या होता है जनरली कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू जो है वो क्या होती है, कम 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 होती जाती है। ठीक है, हमें समझ में आता है कि जब जब हम ऐसे ऊपर जाएंगे तो फिर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम होता है। ठीक है, तो सही स्टेटमेंट पूछा गया है तो यही स्टेटमेंट आएगा, सही स्टेटमेंट करेक्ट ये नंबर का। बाकी मैं आपको बता दूं कि सपोज ये अर्थ है,
और ये इक्वेटर है। यहाँ पर थर्ड वाला क्वेश्चन, थर्ड वाला स्टेटमेंट ये है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीजेस विद इंक्रीज ऑफ लैटिट्यूड। लैटिट्यूड मतलब ये हॉरिजेंटल, हॉरिजेंटल इमेजिनरी लाइंस ऑन द अर्थ, ठीक है। ये ऐसे लैटिट्यूड होती है। अगर हम इक्वेटर से नॉर्थ पोल की तरफ और इक्वेटर से साउथ पोल की तरफ जा रहे हैं, तो फिर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू जो है तो इंक्रीज होगी, ठीक है। तो पोल पर सबसे ज़्यादा वैल्यू होती है, नॉर्थ पोल पर या साउथ पोल पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सबसे मैक्सिमम होगी। यहाँ पर, यहाँ पर भी मैक्सिमम होगी। तो इक्वेटर से पोल की तरफ जाएंगे तो फिर जी की वैल्यू बढ़ेगी, ना कि डिक्रीज होगी। तो ये थर्ड स्टेटमेंट जो है ये गलत है, ठीक है। और अर्थ के हम डीप जाएंगे, जैसे 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 हम अर्थ के डीप डीप जाएंगे, तभी भी एक्सेलरेशन ड्यू टू की वैल्यू जो है वो क्या होगी, वो डिक्रीज होगी। यहाँ पर क्या बोला है उन्होंने, इंक्रीज बोला है, ये इंक्रीज नहीं है, यहाँ पर भी डिक्रीज है। तो ऐसे इसी के साथ ऑप्शन बनेगा, हमारा करेक्ट आंसर बनेगा 42 का ए, 47। बाकी एक दो क्वेश्चंस मैथ में है तो उसको हम स्किप कर कर 47 से 47 सॉल्व कर लेते हैं। कि इनमें, इसमें खादियान विलेज इंडस्ट्री कमीशंस के बारे में उनके क्या ऑब्जेक्टिव्स है, तो ये पूछा है। कि फर्स्ट स्टेटमेंट इज़ क्या है, टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट इन द रूरल एरियाज, टू प्रोवाइड द सेलेबल आर्टिकल्स, टू क्रिएट सेल्फ रिलायंस अमंगस्ट पीपल एंड बिल्डिंग अप अ स्ट्रांग रूरल कम्युनिटी स्पिरिट, ठीक है। यही कॉमन ऑब्जेक्टिव्स है खादियान विलेज इंडस्ट्रीज कमीशंस के। इसके अलावा इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोड्यूसिंग सेलेबल आर्टिकल्स, ये भी है। सेल्फ रिलायंस अमंग्स द पीपल, ये भी सब कॉमन ऑब्जेक्टिव्स है, ठीक है। तो उसका आंसर क्या आएगा फिर, 1, 2, 3, ये नंबर का। ये 45th क्वेश्चन जो है ना, ये थोड़ा मैथ का है मगर वेरी सिंपल है। कि लेट अ रजिस्टर हैविंग 4 ओम रजिस्टर रेजिस्टेंस बी कनेक्टेड अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ 12 वोल्ट बैटरी, देन द चार्ज इन कूलम पासिंग थ्रू द रजिस्टर पर सेकंड इज दैट। कि एक ओहम्स लॉ का फार्मूला है कि वी इज इक्वल टू आई आर, वी इक्वल्स टू आई आर, ठीक है। हमें रजिस्टेंस पूछा है तो आर इज इक्वल्स टू वी अपॉन आई, ऐसा आएगा, ठीक है। तो वी अपॉन वी कितना दिया है यहाँ पर, 12, और बाकी आर, ठीक है। 4/12 इक्वल्स टू 3 आएगा, तो ये आंसर बन जाएगा सी। तो वी इज इक्वल टू आई आर, ये एक सिंपल फार्मूला है वहाँ पर यूज़ करने के लिए। तो 45 का ये आएगा। अभी 46, अरेंज द फॉलोइंग वराइटीज ऑफ द सिल्क इन इंडिया इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग प्रोडक्शन, मुगा, इरी, मलबेरी एंड टसार। इनमें से सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन किसका है, तो उनमें से डिक्रीजिंग ऑर्डर पे हमें लगाना है। तो मलबेरी का मुझे तो ज़्यादा से ज़्यादा परसेंटेज लगता है। चलो आपको मैं दिखा देता हूँ कि यहाँ पर कुछ डाटा है 2016-17 का। मलबेरी का जो प्रोडक्शन है तो लगभग 70% के अराउंड है। उसके बाद टसार 10%। इंडिया सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द सिल्क है आफ्टर चाइना, ठीक है, सेकंड लार्जेस्ट। एंड सभी तरह के वराइटीज़ जो सिल्क की वराइटीज़ है, मलबरी है, मुगा है, ट्रॉपिकल टसर, ओक टसर एंड ईरी, ये सभी तरह के प्रोडक्शंस इंडिया प्रोडक्शन करती है सिल्क के बारे में। और सेकंड चाइना के बाद सेकंड है। तो सबसे ज़्यादा कौन सा है, मलबरी है। तो इसी के हिसाब से हमें वो डिक्रीजिंग ऑर्डर पर लगाना है, ठीक है। तो फिर 46 का आंसर आएगा ये, जिनमें थर्ड मलबेरी सबसे ज़्यादा, उसके बाद इरी, उसके बाद तसार एंड मुगा, है कि। फ्रेंड्स, रिमेनिंग क्वेश्चंस हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। हैव अ नाइस डे।